तो ये सरकार जो है हत्यारों की सरकार है, हत्यारों को संरक्षण देने वाली नीतीश जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और ये मंगल राज का राग अलापना बन रहा, माने इकबाल काम कर रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर दर्जन भर पुल जो है भारा करके गिर गए, जिनका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, और ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है भ्रष्टाचार के मामले में। उग्रवाद के पोषक पार्टी को आपने जिता दिया, कहिएगा मौसम नहीं बदला। ये जल्लाद राज चल रहा है जहाँ लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है, ये जल्लाद राज चल रहा है, ठीक ना। ये जनता के जान माल से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जो है कुछ दिन पहले डीजे संचालक की डुमरा में हत्या है यहाँ, कभी 3 साल के बच्चे का अपहरण करके बर्बर हत्या कर दी गई, थानेदार FIR नहीं ले रहे थे। परसिया पंचायत का सोनी गांव, हाँ सोनी गांव का मामला है, वो मैंने FIR नहीं लिए, पकड़ करके लाए 2 गांव के लोगों को तो उसको छोड़ दिए। आज जब बच्चे की लाश मिली आहार में तो फिर उसको जो है एक आदमी को गिरफ्तार करके, ऐसे ही चलता है राज, है ये मंगल राज है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आरा शहर में आरा लोकसभा क्षेत्र के यहाँ पर माननीय सांसद महोदय जी हैं, सुधामा प्रसाद जी, इनसे हम बात करते हैं। और कहीं ना कहीं देखते पिछले दिनों जो है बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी आरा जिला में आए हुए थे और बहुत सारे टिप्पणी किए हुए थे, इस पर हम पूरे जिंदगी को दांव पर लगा करके पूरे देश से आतंकवाद को खत्म कर दिया, उग्रवाद को दबा दिया। यही धरती थी जहां नरसंहारों का लगातार खेल होता था, आज ये नरसंहार का खेल को बंद कर दिया। और आप उस व्यक्ति को एक जीत एक सीट नहीं दे सके और एक उग्रवाद के पोषक पार्टी को आपने जिता दिया, कहिएगा मौसम नहीं बदला। तो सचमुच में मौसम नहीं बदला है, क्योंकि जिनकी विचारधारा नहीं बदलेगी उनके लिए हमेशा अंधे को सम हमेशा हरियाली नजर आएगी। वार्ता करेंगे और बात करेंगे, सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। कुछ दिन पहले बिहार सरकार के पूर्व सॉरी मुख्यमंत्री आए हुए थे, उप मुख्यमंत्री आए हुए थे विजय सिन्हा, परसों आए हुए थे। कई बातें आपके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा था कि जो आरा जिला के जो लोग हैं उग्रवादी टाइप के जो पोषक हैं उनको जिताया गया है आरा लोकसभा क्षेत्र से। तो यही तो उग्रवाद है, देखिए ना भाई कितना जो मंगल राज चल रहा है यहाँ, कभी 3 साल के बच्चे का अपहरण करके बर्बर हत्या कर दी गई, थानेदार FIR नहीं ले रहे थे। परसिया पंचायत का सोनी गाँव, हाँ सोनी गाँव का मामला है, वो मैंने FIR नहीं लिए, पकड़ करके लाए 2 गांव के लोगों को तो उसको छोड़ दिए। आज जब बच्चे की लाश मिली आहार में तो फिर उसको जो है एक आदमी को गिरफ्तार करके, ऐसे ही चलता है राज, है ये मंगल राज है, ये जल्लाद राज चल रहा है जहां लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है, ये जल्लाद राज चल रहा है, ठीक ना। ये जनता के जान माल से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जो है कुछ दिन पहले DA संचालक की डुमरा में हत्या हो गई, आप जो है ये प्रमुख जो है रमई राम, हाँ उनके लड़के का हत्या कर दिया गया। अभी घोड़पखर के एक नौजवान की हत्या हुई, अभी जो है बकरी में हाँ मैंने हत्या कर दी गई धोबी जाति के एक नौजवान की। तो यही चल रहा है, लग रहा है कि मैंने 7वें आसमान पर अपराधी जो है मैंने चढ़ा हुआ है उनका मनोबल। तो ये सरकार जो है हत्यारों की सरकार है, हत्यारों को संरक्षण देने वाली नीतीश जी की सरकार है, NDA की सरकार है, और ये मंगल राज का राग अलापना बंद करें। ऐसे हत्यारों को जैसे सरकार बोल रहे हैं तो JDU है या फिर BJP है, दोनों लोग हैं मिलजुल करके सरकार चला रहे हैं यहाँ भी और देश में भी, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार जो है यहाँ के गरीब गुरबों के बच्चों के जीवन को रौंद रही है। अच्छा, इसके बारे में क्या कहिएगा, कुछ दिन पहले हम लोग देखे हुए थे नवीनगर में एक जो है लड़की का जो है श्रेया नाम था उसका जो है रेप करके हत्या करके फेंक दिया। उसके बाद मतलब 20 ही दिन बाद जो है घटना का जो है नहीं बिता, वो जो है फिर डिहरी अनसोन में एक जो है मीठोपुर गांव है वहाँ पर हम लोग गए हुए थे। वहाँ पर ये अपराधियों अपराधियों का राज चल रहा है यहाँ, अपराधियों की सरकार चल रही है। अगर इन्हें थोड़ा सा भी माने शर्मोहाया है सरकार के अंदर, इनके मंत्रियों के मुख्यमंत्री के अंदर, तो ये तुरंत रिजाइन करके जो है बाहर जाए। नहीं आपसे विधि व्यवस्था अपराधियों के इकबाल पर है, इनके सरकार के इकबाल पर नहीं है कि सरकार का इकबाल काम कर रहा है, अपराधियों का इकबाल काम कर रहा है और भ्रष्टाचारियों का अपराध माने इकबाल काम कर रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर दर्जन भर पुल जो है भारा करके गिर गए, जिनका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, और ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है भ्रष्टाचार के मामले में। तो सब कुछ तो ये उदाहरण के जरिए, घटनाओं के जरिए साबित हो रहा है
कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, हत्यारों को संरक्षण देने वाली सरकार है, लुटेरों की सरकार है, और अब समय आ गया है कि इस सरकार से बिहार की जो जनता है दो दो हाथ करने के लिए आगे आएगी। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि जिस तरह कुशवाहा वोट बैंक जो है शाहबाद में बिखरा है, अब थोड़ी वोट की बात, अब वोट चुनाव हो गया, वोट की क्या बात करें, अब वोट की बात किया, अब उनकी मर्जी, जिसको भेजेंगे जिसको रखेंगे वो उनका मामला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देख सकते हैं हम लोग आरा सर्किट हाउस में थे और आरा लोकसभा क्षेत्र से जो कि सांसद महोदय सुदामा प्रसाद जी थे, बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा। देख सकते हैं और टीपी जो हुआ था उस पर क्या कहें, और उन्होंने पलटवार कहा कि जो कि बीजेपी और जदयू जो है हथियारों की सरकार है। हालांकि आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।